मध्य प्रदेश के चुनावी मौसम के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया अवतार सामने आया है। ग्वालियर किले पर स्थित सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का छात्रों के साथ डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर छात्रों के साथ गजब का डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सिंधिया कुछ ऐसे नाचे कि देखने वाले भी केंद्रीय मंत्री का ये मस्त मौजी अवतार देखकर उल्लास से भर गए। दरअसल सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम कल स्कूल कैंपेन में आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के जाने के बाद स्कूल के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद छात्रों के बीच पहुंच गए। इस दौरान छात्रों ने जब अपने साथ डांस करने के लिए उन्हें बुला लिया तो सिंधिया सीधे मंच पर पहुंच गए और उनके साथ थिरकने लगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, माँ और बेटे भी मौजूद थे। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रस्साकसी चल रही है और इसी चुनावी संकट के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह डांस करने का वीडियो काफी सुर्खियों में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और पार्टी से लेकर हर नेता चुनावी संकट में डूबा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनावी संकट के बीच अपने आप को खुश रखने के लिए स्कूली छात्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।